वन अमले ने चीतल पेंगुलिन का मांस किया जब्त, दो आरोपी हिरासत में। झालीवाड़ा में बाघ ने किया दो पालतू मवेशियों का शिकार। माझी मछुआ समाज ने निकाली रैली, काली पुतली चौक पर किया प्रदर्शन। उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता की वन चौकी चचेरी के ग्राम डोंगर बोड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डोंगर बोड़ी निवासी दिलीप वल्द दीपचंद गौंड, आधार सिंह वल्द जयचंद गौंड के घर वन्य प्राणी चीतल का मांस, पोंगलिन का मांस पकाया जा रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम दोनों ग्रामीणों के घर पहुंची और पूछताछ की गई। इस दौरान वन अमले ने वन्य प्राणी चीतल का पका मांस एवं वन प्राणी पोंगलिन खोला मंजर के साल्क की जब्ती कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये मुखबिर के आधार पर हमको पता चला जी, डोंगर बोड़ी के लोग थे करके। अच्छा, तो हमने छापा मारा, छापा मारने के बाद में क्या है, दो लोगों को पकड़े हैं। क्या क्या नाम है सर इनका? इनका नाम है दिलीप आधार पर, दिलीप दीप सिंह और आधार पर से दो फरार में पता लगा कि दो फरार है अभी तक। मुखबिर की द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग डोंगर बोड़ी के चीतल का शिकार करके मांस पका रहे हैं जी। तो हमारे द्वारा ग्राम डोंगर बोड़ी गए, वहाँ पे हमने दिलीप वल दीप सिंह गोंड के घर गए तो उसके यहाँ 2 से 2.5 किलो चीतल का मांस पका हुआ, और जब घर की तलाशी लिए तो उसके घर से पेंगोलियन के कुछ अवशेष मिले हैं जी। और इसके बाद दिलीप की निशानदेही पर फिर आधार सिंह को पकड़े, तो आधार सिंह के घर से भी पेंगोलियन के हमको कुछ अवशेष मिले हैं जी। इसके बाद इनके निशानदेही पर घटना स्थल पर गए, वहां पर हमें जो करंट लगाए थे GI तार मिला है, खूटियां मिली है, कुछ कांच के बॉटल मिले हैं और चीतल का चमड़ा प्राप्त हुआ है। वारासिमनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ में बाघ ने दो ग्रामीणों के घर में घुसकर दो पालतू मवेशियों का शिकार कर लिया, जिसकी सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासिमनी को दी गई, जिस पर वन अमला पहुंचकर मवेशी मालिक को मुआवजा दिलाने के लिए प्रकरण तैयार कर लिया गया है। वहीं बाघ की गतिविधि जानने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार झालीवाड़ा निवासी प्रकाश ठाकरे और ताराचंद नागोसे के घर में बाघ पालतू मवेशियों को बांधने वाले स्थान पर पहुंचा, जहां एक पालतू मवेशी पर हमला कर दिया। तभी प्रकाश के शोर शराबे मचाने से बाघ मवेशी को छोड़कर भाग गया, लेकिन 15 मिनट बाद मवेशी की मौत हो गई। वो बोलते हैं बाघ, मैं एकदम उसके पास में आ गया था उसके, इसलिए बता सक रहा हूँ कि मैं मात्र उसको सिर्फ धक्का मार के हटाने से रहा, इतने करीब में था मैं उसको। आवाज लगाया, चिल्लाया, भागा। उसके बाद में फिर सब लोगों अपने करीबी लोगों को फोन किया, उन लोगों ने सब लोगों को सूचना की है, फिर लोग आए दौड़ दौड़ करके। मांझी मछुआ समाज को जल क्षेत्र पर अधिकार 15 नवंबर 2022 के पूर्व बहाल करने एवं मांझी समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान करने के लिए नूतन कला निकेतन से मांझी मछुआ समाज ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया एवं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मांझी मछुआ समाज में आने वाली जातियां ढीमर, भोई, केवट, कहार, निषाद, मल्हार आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 में अंकित है, इसको विलोपित कर अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 29 में शामिल कर मांझी की उपजाति में शामिल करने की मांग किया गया है। वह नदी तालाब एवं कछार क्षेत्र के पट्टा प्राथमिकता से मछुआ नीति 2008 के अनुसार दिए जाते हैं, उन्हें यह नियम 15/11/2022 के पैसा कानून से प्रभावित न होने दिया जाए। बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कैंप सोनेवानी थाना रूपझर बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम सोनेवानी कान्हा टोला
इरली के ग्राम व शासकीय कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में स्थानीय ग्रामवासियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ग्रामवासी एवं स्कूल के बच्चों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय शासकीय कर्मचारियों को स्वच्छता के बारे में वेस्टेज होने वाले जैसे पॉलिथीन एवं वेस्टेज होने वाले कूड़े को एक नियत स्थान में रखकर नष्ट करने के संबंध में गाँव में सभी ग्रामीण नागरिकों को स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके क्रम में F-123 वाहिनी सोनेवानी के द्वारा कमांडेंट श्री सुधीर कुमार के मार्गदर्शन में कंपनी के आसपास के पड़ने वाले गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज यहां सोनेवानी स्कूल में F-123 के जवानों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा सभी बच्चों यानी छोटे छोटे बच्चों को स्वच्छता के संबंध में बताया गया, उसके महत्व के बारे में समझाया गया। पीजी कॉलेज में अध्ययनरत तृतीय वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी का द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर काफी विद्यार्थी फेल हो गए। इस दौरान छात्र नेता ऋषभ सहारे व अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि बीएससी फाइनल की परीक्षा फीस जमा करने के साथ ही अन्य फीस जमा कर परीक्षा की तैयारी की जा रही है, लेकिन हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें करीब 250 से अधिक पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में हो चुका है।